जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। निकलो बंद मकानों से, जंगलों बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंगलों बेईमानों से। जम्मू में मालिकाम चौकीदार जो है, जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें जो है डोनेट की हैं पंचायत घर बनाने के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, ये तमाम लोग साथी आप देख रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग ब्लॉक से जहां पे मुजाहरा कर रहे हैं, और ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिसियत प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोग इनकी सपोर्ट में जो है बोल रहे हैं। इन लोगों की बड़ी जेन्युइन डिमांड है और बड़ी दारीना डिमांड है कि इन लोगों का हक जो है वो इनको दिया जाए, लेकिन सरकार इनका हक देने में नाकामयाब हो रही है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिसियत प्रेसिडेंट होने के नाते हमारी अपील रहेगी आदरणीय मोदी साहब से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब से और महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से कि इन लोगों को फौरी तौर पे 9000 रुपया महीने पे इनको परमानेंट डेली वेजर जो है वो लगवाया जाए, इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो की जाए। अगर एक महीने के अंदर अंदर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चेक करने में नाकामयाब रहेगा तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इनको लेके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हम लोग जो है वो इनका केस दर्ज करवाएंगे और इनको इनका हक जो है वो दिलवाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तमाम लोग आप देख रहे हैं कि इनकी फैमिली जो है, इनके बच्चे जो हैं आज सफ़र कर रहे हैं, ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ये लोग जो हैं फिर भी सरकार का काम जो है पंचायत घरों के अंदर आज भी कर रहे हैं। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म होनी चाहिए कि इन लोगों का हक जो है वो इनको दिलवा क्यों नहीं रहे हैं। ये लोग जो हैं, इन लोगों ने अपनी मलकियत ज़मीनें कुछ लोगों को रेजोल्यूशन पे, पंचायत रेजोल्यूशन पे कुछ लोगों को जो है वो लगवाया गया है, कुछ लोगों को जो है जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं उनको ग्राम सभा के अंदर रेजोल्यूशन डाल के भी जो है लगवाया गया है। लिहाजा इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस आज रोड पर उतरी है इनकी सपोर्ट में और कोशिश हमारी ये है कि इनका हक जो है वो इनको मिल जाए।